नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसए वर्सेस एफओआर के बीच जो खेला जाएगा कॉर्फू टिटैन का मैच। दो चीज़ सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, दोनों टीम अगर देखोगे ऑलमोस्ट बैलेंस है। तो आप ना फिलहाल जो करेंटली पोजिशन चल रहा है सीरीज का वो है चेजिंग, आई थिंक थोड़ा मुश्किल चल रहा है, 8:2 फिलहाल ये कम्बिनेशन बना रहा है कि अब तक 10 मैच हुआ है जहाँ पे 8 बैटिंग फर्स्ट 2 बैटिंग सेकेंड ने विन किया। तो क्लियर कट आपको बैटिंग फर्स्ट टीम बनाना पड़ेगा, तो मैं प्रेफर करूँगा 6:5 कॉम्बिनेशन के साथ आने को और जाने को इस मैच में। ठीक है, मैं इनडेप्थ एनालिसिस करूँगा, पूरा पूरी आपको सभी प्लेयर्स के बारे में एनालिसिस मिलेगा। और एक और चीज़, मेरे हिसाब से मेरी टीम में फिलहाल 2 पंत पॉइंट है, अब 2 पंत पॉइंट आपको रखना पड़ेगा अदरवाइज डिफॉल्ट हो जाएगा, मैं वो डिस्क्लोज करूँगा वीडियो में। मेक श्योर करना आप वीडियो अंत तक देखो, पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप लोग चैनल में न्यू हो एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये जो फैंटेसी दुनिया चैनल है यहाँ पे बेसिकली आपको डोमेस्टिक एसोसिएट्स कंट्रीज के मैचेस मैक्सिमम कवरेज मिलेगा। यस, हम लोग T20 वर्ल्ड कप IPL जैसे मैचेस का भी कवरेज आपको मिला है और मिल रहा है, तो उसके भी कवरेजेस मिलेंगे और उसके कवरेजेस केवल मात्र आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और ये जो एसोसिएट्स कंट्रीज के मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, इसके फाइनल अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर का लिंक ऐड कर दूंगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ मिलेगा ब्लू कलर का लिंक, लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। और जिन भाई का लिंक काम नहीं करेगा वो भाई सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। देखिए फिलहाल जो अगर मैं टेलीग्राम खोलने गया तब देखिए वो ब्लर आ गया, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं सीधा सीधा आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो सिंपली टेलीग्राम पे जाके @TeamFDF, बट मैं प्रीफर करूँगा सबसे पहले आप लिंक से ज्वाइन होने का ट्राई करना। फटाफट मैं एनालिसिस में आता हूँ, लाइक करके स्टार्ट रखना। कॉर्फ्यू सेम ग्राउंड पर खेला जाएगा, मरीना क्रिकेट ग्राउंड कॉर्फ्यू। अब यहाँ पर बहुत कम रन बन रहे, एकदम सा आप अगर पहला मैच से स्टार्ट करोगे जो बारिश के कारण रिड्यूस हो गया था, फिर हर मैच में बहुत ही कम रन बना, बहुत कम टाइम पे 90 क्रॉस हुआ, एवरेज स्कोर 80 रहेगा। और दोनों टीम का अगर बैटिंग देखोगे मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, 80 से 90 के बीच रन बनना चाहिए इस मैच में भी। और आपको ना टीम में मैक्सिमम बॉलर लेना है, मेरा मानो तो 10 बॉलर ले लो, एक विकेट कीपर ले लेना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग आएंगे इस बार पॉइंट में। ठीक है, अब देखो लास्ट मैच में अमजद अंबो जब पहला मैच में ऐसा परफॉर्मेंस देके आ रहा था ना, सब ड्रॉप कर रहा था। अब जाके अभी भी वीडियो देख सकते हो, जाके टेलीग्राम पे देख सकते हो, हम लोग ने इनको रिस्क लेके लिया था और इन्होंने उस मैच में 2 विकेट निकाला, 41 रन, फिर 1 विकेट और 3 रन। अब ये पब्लिक का कंपलसरी पिक हो गया, तो ऐसा ही होता है, आपको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको हाई रिवर्ट चाहिए, अदरवाइज आपको एकदम सेफ जाके ना कुछ भी हो सकता है ऐसे वाले मैच, मतलब ऊपर वाला लक के ऊपर भरोसे के खेलना पड़ता है कि ओपोनेंट कुछ गलती करे तो हम लोग कुछ सही करेंगे, बट आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इसमें। शब्बीर असलान इसमें अच्छा खेला था सेकेंड मैच में, जहाँ पे 28 बनाया था, दिन का सेकेंड मैच था, ओवरऑल ये लास्ट मैच में ठीक ठाक खेला है। बाकी देखो बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, बंदा ओपन कर रहा है, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, हमें ना नॉर्मल सा टीम रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 पंत पॉइंट है। अब कौन है वो मैं आऊँगा इस वीडियो में। अली असगर लास्ट 4 मैच में बड़ा बात है, इंपैक्ट देखो बंदे का, 1 डाउन साथ ही साथ 2-2 ओवर डाल रहा है, तो मेरे हिसाब से रख लो अपनी टीम में। उमित नियाज़ई अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे इनका परफॉर्मेंस क्या हुआ है, अब तक 19-11 बड़ा इनिंग्स अब तक खेला नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्ट्राइक रेट से खेलते, 2 विकेट निकाला है एक मैच में, बाकी ये बहुत हाई नोट्स कभी भी नहीं थे, और इवन लास्ट मैच में तो टीम इनसे बॉलिंग कंप्लीट नहीं कराया, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, मे बी आपके लिए रोटेशन एटलीस्ट मिनी जीएल और जीएल में जरूर कर सकते हो, स्मॉल लीग में रख लेना। उमेश जवाइद ने अब देखो इंटरेस्टिंग सा बात, ये लास्ट दोनों मैच में ना कुछ नहीं किया, अब ये टीम का जो माइंडसेट है वो भी निकल के आएगा, क्योंकि पहला दोनों मैच में अच्छा खेला था, बॉलिंग किया था, उसके बाद भी इनको कुछ बॉलिंग नहीं मिला लास्ट दो मैच में, पहला पॉइंट। दूसरा नसीर मोहम्मद ही पहला दोनों मैच में बॉलिंग नहीं किया, अचानक से इनको बॉलिंग डलवाया गया, जो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई नोट्स, बट ठीक ठाक बॉलिंग किया, बहुत ज़्यादा अच्छा बॉलिंग नहीं किया। अब इनका और इनका अगर दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा, मेरा मैं जो देख रहा हूँ कि ये बहुत ख़राब बॉलिंग नहीं किया था, स्टिल इनको टीम ड्रॉप करके इनसे बॉलिंग कराया, इनसे थोड़े ज़्यादा रन दिया नसीर मोहम्मद और एक विकेट निकाला, तो ऐसा हो सकता है इस मैच में ये ज़्यादा बॉलिंग ना करें, ये पॉइंट याद रखना। बाकी यहाँ पे दोनों प्लेयर मत लेना क्योंकि ये बॉलिंग नहीं करेंगे, बैटिंग बहुत नीचे कर रहे हैं। एस मेहर देखो लास्ट दोनों मैच में ना अच्छा निकाला, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ये टीम का जो माइंडसेट है वो दिन का, अगर पहला मैच में कोई प्लेयर बॉलिंग करता है अचानक से, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड मैच में भी बॉलिंग कराएगा, ये चीज़ याद रखना। और दिन का पहला मैच में अगर कोई प्लेयर बॉलिंग नहीं करता है तो सेकेंड मैच में भी बॉलिंग नहीं कराएगा, ये भी आप ध्यान से रखना अपनी टीम में जब आप टीम क्रिएट करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा इन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला, मे बी मेरे हिसाब से इस मैच में ये बॉलिंग करे
कंपेयर टू नसीर मोहम्मदी मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर बॉलिंग किया है, तो एस मेहर मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा बेटर बॉलर लग रहा है फिलहाल। और बैटिंग सेक्शन में आपको ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिलेंगे, एक एज अ बॉलर एस मेहर मिल जाएगा, ले लो उठा लो बात खत्म। अब मतलब बहुत शॉकिंग एंड बहुत सरप्राइजिंग, कोई भी कैप्टन जो मेन बॉलर था पहला दिन में इस टीम का, उसको सेकेंड मैच में एक ओवर भी नहीं मिला। अब अगर आपका लक अच्छा होगा तो शायद ये इस मैच में बॉलिंग नहीं करेगा, अगर लक खराब होगा तो ये शायद इस मैच में आपका बॉलिंग कर जाएगा। तो रिस्क नहीं लेना है तो ले लेना इनको, मेरे हिसाब से तो T10 है, कोई निगल वगैरह तो होना नहीं चाहिए, तो रिस्क लेना है तो ले मत लो इनको, और अगर रिस्क नहीं लेना है तो सेफ जाने के लिए ले सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच में ये दोनों मैच में ये बॉलिंग नहीं किया। तो ये सब ना हिसाब से मेरे हिसाब से आप ना एक बैकअप टीम के साथ जाओ, बैकअप टीम में भी रिस्की हो सकता है, बट आपको एक्स्ट्रा रिस्क अगर लोगे आप तो आई थिंक आप श्योर शॉट 30-40% प्रॉफिट में रहोगे अगर आप बैकअप टीम के साथ जाते हो और 3 मेंबर्स खेलते हो। ओपनिंग बॉलर अगर देखोगे अजगर अंबो और जवैद है, ठीक है, और डेथ में कौन करेंगे, मेहर और एन मोहम्मदी डेथ में लास्ट मैच के रिस्पेक्ट में, बट अगर लोगारे बॉलिंग कराता है तो गाइस लोगारे डेथ कराएगा और बढ़िया पिक हो जाएगा आपके लिए। अगर केएसए से मैं बताऊं तो इनसे देखो नियाज़ई दोनों मैच में अच्छा बैटिंग तो नहीं किया, बट हाँ बॉलिंग एक मैच में 2 विकेट निकाला और एक मैच में फ्लॉप, बट इंपॉर्टेंट बात दोनों मैच में 2-2 ओवर डाल रहा है, 19 साल का शायद ये बच्चा है तो अच्छा खेल रहा है गाइस, तो टीम शायद सपोर्ट करेंगे। एन अहमद जई दोनों मैच में 2-2 ओवर डाला, एक मैच में विकेट लेस। अवैध सईब ऐसा नहीं है कि आपको ना एक प्योर बैट्समैन को लेना है, बैटिंग पोजिशन इनका नीचे ऊपर दोनों हो सकता है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है जो भी पिंगस पहला मैच में इतना सक्सेसफुली 39 रन बनाया, सरप्राइजिंगली इनको टीम नीचे भेजा गया और सेकंड मैच में देखो फ्लॉप हो गया बंदा, बट ये ऊपर खेल सकता है और ये ना अपना जो जेन्युइन पोजीशन है 1 डाउन में खेल सकते हैं। अब अवैध सईब 2 डाउन चला जाएगा। कसिम शाह फलक सियार डिफरेंशियल पिक, फर्स्ट मैच में 2 ओवर, लास्ट मैच में 1 ही ओवर डलवाया था। वेलो स्प्रिंगस मेरे हिसाब से फिलहाल टीम में रख लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन में भी बनाऊँ ना बनाऊँ, JLN इस टीम का ना वन ऑफ द मेन बॉलर। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इनका ना ऑफिशियली बताया गया था कि 61 साल उम्र है, तो 61 साल में ना ये ना शायद कल बॉलिंग ही ना करे, तो मेरे हिसाब से ना थोड़े मोरे से ज़्यादा रिस्क लग रहे हैं मुझे ये मैच, तो मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा सा लेसी इन्वेस्टमेंट करो, GL खेलो, और अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो गाइस कोई तो जीतेगा, खेल सकते हो आप, बट मैं प्रेफर करूँगा तब आप बैकअप टीम के साथ स्मॉल लीग खेलना और लेस कंपटीशन वाले ऐप्स में खेलना जहाँ पे आपको कंपटीशन कम मिले। ओपनिंग बॉलर FCR पी नियाज़ई जेड एलन, आपको जो भी नाम है जोनाथन एलन, शुरू में बॉलिंग कराता है, ये 1 डाउन आता है, पहला मैच में क्या हुआ था ये बंदा पावर प्ले में डाला था किसके साथ, नियाज़ई के साथ, अब लास्ट मैच में सीआर डाला था नियाज़ई के साथ, तो नियाज़ई आपको कंपलसरी पावर प्ले में करते हुए दिखेगा, इसके साथ CR और LN से कोई एक, डेथ में 1 ओवर डालता है LN, 1 ओवर डालता है भी प्रिंगस, तो दोनों को रख लेना स्पेशली बॉल फर्स्ट। कैप्टन चॉइसेस बराना अमजद अम्बू मेरे हिसाब से सेफेस्ट है क्योंकि बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और ओपनिंग भी करेंगे, नियाज़ा एक अच्छे चॉइस है तो इनको भी टीम में यूज़ कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी और कुछ भी अपडेट आएगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम अब ज्वाइन हो जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल में न्यू हो एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल कैप्टन है मेरा अमजद अम्बू, वाइस कैप्टन है पी नियाज़ई, बी प्रिंगा से हमारी टीम में अजगर है, एस मेहर, एस अरसलान, ए सईब, आई मोहम्मद, ओ नियाज़ी, एन अहमद, और गाइस कौन है, JLN। अब देखो मैंने क्या किया, बड़ा सा रिस्क, अगर बॉलिंग करता है ना बढ़िया बॉलिंग करता है, बट लास्ट मैच में ना लास्ट दोनों मैच में इनफैक्ट इन्होंने बॉलिंग नहीं किया था, बॉलिंग कराता है तो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन हम लोग बना सकते हैं। एन अहमद जई एक पंत पिक है, लिस्ट सिलेक्शन है JLN, और बड़ा सा डिफरेंशियल पिक FCR, बट फिलहाल मत यूज़ करना गाइस, बहुत रिस्क हो सकता है, ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो फिलहाल ये रहा मेरा टीम, फाइनल अपडेट आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे आ जाएगा, प्रेफर करूँगा अब भी मेरे तरह ग्रैंड लीग्स खेलो थोड़े मोड़े, और अच्छे मैचेस आएंगे तो उसके वेट भी कर सकते हो और ग्रैंड लीग्स में फोकस कर सकते हो। आई थिंक अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अगर ग्रैंड लीग में ही सही वाला रिस्क लोगे ना आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, वहाँ पे गाइस 3 गुना 4 गुना पैसा नहीं आएगा, वहाँ पे गाइस 100 गुना से भी ज़्यादा जो ग्रैंड लीग है उसमें आता है, 200 गुना आता है, अगर 49 रुपीज़ लगा के 9,000 रुपीज़ विन करते हो, तो गाइस मेरा मानना है कि अब ग्रैंड लीग खेलो तो बेटर होगा। थैंक यू गाइस, बाय।